नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों अब आपकी बेड़ा पार होने वाली है, क्यों दोस्तों? देवों के देव महादेव की कृपा अब आपके जीवन काल पर हो चुकी है। ये दोस्तों अगले 48 घंटों के अंदर आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे, अगर आप इन्हें पहचान लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में आप जिनके लिए मेहनत करते थे, गाड़ी बंगला और पेशों की प्राप्ति होने वाली है। और कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में होंगी जिनसे दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में अंतराल में भगवान महादेव स्वयं आपके समक्ष कोई ना कोई भेष धारण करके आ सकते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों आपके जीवन काल से जुड़ी सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होगा। आपके पहले समय किए गए मेहनत, भगवान के प्रति किया गया सच्चा भक्ति अब आपके जीवन काल में आपको वे सभी खुशियां देने वाले हैं जिनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा ललायत हो चुके थे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महादेव की लीला परम्पार है, जिनके भी जीवन काल पर इनकी कृपा हो जाए उनका बेड़ा पार हो जाता है। जी दोस्तों, और यश में अंतराल में आपको अगले 48 घंटों के अंदर घटनाएं देखने को मिलेंगी जो भोलेनाथ के चमत्कार देखने को मिलेंगे, दोस्तों वाकई ही आप सभी को चौंकाने वाले होंगे। तो दोस्तों ऐसे में आप अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य में बताई गई हर एक छोटी सी बात आपके अगले 48 घंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इन्हें अगर आप मिस कर देंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन लाभ से आप वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि अब आपको कौन से चित्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, अगले 48 घंटों में आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, घरों की ये बदलती चाल आपके घर के माहौल में पारिजन में क्या क्या बदलाव करेंगे, साथ ही भोलेनाथ के यह चमत्कार आपके प्रत्येक चित्र में क्या क्या आपको लाभ देने वाले होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा, उससे पहले दोस्तों जो भी वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखेगा, भोलेनाथ का और गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो ये दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, संतान के भविष्य को लेकर कुछ लाभदायक योजनाएं बनेंगी जिनमें दोस्तों आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्तता बनी रहेगी, घर में किसी नजदीकी मेहमान के आगमन से खुशी भरा वातावरण रहेगा। साथ ही इसके साथ अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय अपनी सफलता संबंधी दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें, अगर यह समय वाहन संबंधी कोई भी लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों उसमें जो है भली भांति विचार कर लें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी यह समय आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपको नए अनुभव और नई बातें सीखने के लिए यश में अवसर प्राप्त होंगे, परिवार के लोगों द्वारा आपको जिम्मेदारियां मिलनी शुरू हुई है, इसलिए दोस्तों किसी भी बात को अनदेखा ना करें और आपके ऊपर रखे हुए भरोसे को कायम रखने की कोशिश आपको यश में करनी होगी। विद्यार्थियों का अभ्यास में मन लगा रहेगा और युवाओं को भी नई संधि प्राप्त हो सकती है। दोस्तों परिस्थिति में अचानक से जो है सकारात्मक बदलाव भी यश में दिखने वाले हैं, और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन मुताबिक कोई अच्छी कार्य भी पूरी हो सकती है और जिसकी वजह से आपका मन खुश रहेगा, नवीन कार्यों की योजनाएं भी यश में बन सकती है तथा उनको जो है कार्य रूप देने के लिए जो समय होंगे जो लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों अपने आत्मविश्लेषण द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाने का प्रयास करें, ये आपके लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कभी खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आपको आवश्यकता भी होगी, आर्थिक मामलों में हाथ जो है आपका तंग रह सकता है। दोस्तों यह समय अपनी गतिविधियों की गोपनीयता बनाकर रखें, अन्यथा कोई आपके जो है कार्य में बिघ्न डालने की कोशिश कर सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके विचारों में आपको सकारात्मक बदलाव भी दिखेगा जिनकी वजह से खुद के अंदर जो बदलाव लाना है उनके बारे में भी आप सोच सकते हैं। दोस्तों यश में व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षित बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा किए जाएंगे, लोगों से जुड़े रहना और रिश्तों को गहराई से निभाना या दोनों बातों पर यश में आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से यह समय आपको मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले पारिवारिक सदस्यों की सलाह अवश्य लें। संतान के करियर संबंधी कोई सूचना मिलने से घर में जो है उत्साह भरा वातावरण भी रहेगा। साथ ही दोस्तों कहीं पर भी पैसा इसमें निवेश ना करें या फिर ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए समय जो है अभी उतना अनुकूल नहीं है। दोस्तों किसी के साथ भी इसमें संबंध ना बिगाड़ें, अन्यथा समाज में आपकी छवि इसमें खराब हो सकती है। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यह समय भावनाओं के प्रति आप अधिक संवेदनशील रहेंगे, इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखकर लोगों द्वारा बोली गई हर बात का गहराई से जाकर अधिक सोच विचार न करें। खुद के द्वारा किसी काम या फिर वचन की पूर्णता न कर पाना खुद के प्रति नाराजगी बढ़ा सकता है। दोस्तों यश में अधिक वक्त आप जो एकांत में बिताने की कोशिश भी करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि रुपये की आवक के लिहाज से समय श्रेष्ठ है। दोस्तों आप अपनी सोच अपनी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल भी प्राप्त करने में यह समय सक्षम रहेंगे। दोस्तों किसी संत या फिर अपने गुरु के सानिध्य में रहना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। बच्चे इसमें आज्ञाकारी बने रहेंगे, परंतु दोस्तों आपका ज़्यादा अनुशासित स्वभाव अन्य लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। दोस्तों आप पर जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा, ये जो समय है आपके लिए किसी भी प्रकार की यात्रा ना करें, दोस्तों आपके लिए नुकसानदायक यह रह सकता है। और इसके उपरांत यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको काम द्वारा खुशियां मिल सकती है और किसी कठिन काम को पूरा करने की वजह से खुद के प्रति आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, और दोस्तों काम की पूर्णता का आनंद भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी मिल रहे हैं। अधिक संयम बनाकर जो है अपने प्रयत्नों को बढ़ाना आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपके काम करने का जो जोश होगा और जो जज्बा होगा गजब का रहेगा। दोस्तों सहकर्मी और अधीनस्थ कर्मचारी का यश में पूरा सहयोग आपके ऊपर रहेगा। दोस्तों यश में गैर कानूनी काम करने से बचे हैं, अन्यथा बुरी तरह से आप फंस सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपका जो है पारिवारिक व्यवसाय है, तो दोस्तों यश में उन पर अधिक ध्यान केंद्रित रखें। नया काम शुरू करने के लिए ग्रह स्थिति अभी उतना आपके पक्ष में नहीं है। किसी भी कार्य में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी सदस्यों का सलाह जरूर लें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए जो समय होंगे, ऑफिस की कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव यश में आपके लिए आने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बीमा तथा कमीशन संबंधी कार्यों में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। ये जो समय है आपके लिए व्यावसायिक कार्यों के लिए जो समय होंगे, किसी भी पर यश में आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, आपके साथ कोई विश्वासघात भी यश में कर सकता है। दोस्तों आपके अपने जल्दी दोस्तों यश में व्यावसायिक कार्यों पर किसी पर भी भरोसा ना करें, आपके साथ कोई विश्वासघात भी यह समय कर सकता है। आपके सपने जल्दी ही यश में साकार होने वाले हैं। दोस्तों अपनी योग्यता और फिर क्षमता पर आप विश्वास रखें और इनका भरपूर इस्तेमाल करें। किसी नए काम की शुरुआत भी हो सकती है, परंतु दोस्तों ये जो समय आपके लिए अधिक लाभ की उम्मीद भी ना रखकर अपने कार्यों को पूरी मेहनत तरीके से करने की आपको जरूरत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि भविष्य में यही काम आपको फायदा देने वाले हैं। दोस्तों यश में मार्केट में आपकी व्यापारिक छवि बहुत अच्छी बनी रहेगी, उसे बरकरार रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी के बीच बेहतर सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में छोटी सी बात को लेकर खटास भी आ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक सदस्यों का सहयोग तथा एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना घर के वातावरण को खुशहाल बनाकर रखेगा तथा घर की व्यवस्था भी यश में उचित बनी रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपको कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखने में दिक्कत भी रह सकती है। बेहतर होगा कि दोस्तों यश में आप शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे।
इसके उपरांत दोस्तों इस समय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में सुधार आएगा और आप यह समय अपने आप को स्वस्थ महसूस करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी कुछ नकारात्मक विचार भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। मेडिटेशन करें तथा कुछ समय जो है प्रकृति के साथ भी व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होने वाले हैं। और दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि खांसी जुकाम जैसी परेशानी भी आपको रह सकती है, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए उचित उपाय होगा, तो इस पर जरूर ध्यान दें। और दोस्तों इसके उपरांत आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, कोई चोट या फिर दुर्घटना जैसे योग भी बन रहे हैं।